रचाकोंडा एंटी ट्रैफिक यूनिट और ऊपर पुलिस ने मिलकर एक दूसरे ममालिक के गैंग का पता चलाते हुए इनके पास से दो अफराद को रेस्क्यू किया और इसके अलावा 6 ट्रैफिकिंग को हिरासत में लेते हुए इनके कब्जे से 1 स्विफ्ट कार, 7 मोबाइल फ़ोन, 5 सिम कार्ड, 7 फेक आईडी कार्डों को जब्त किया। इस सिलसिले में रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने बात करते हुए इसकी मजीद तफसीलात बताई। रचाकोंडा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और उपल पुलिस ने मिलकर एक इंटर कंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बांग्लादेश से इंडिया को जिनको ट्रैफिकिंग किया, वैसे 2 विक्टिम को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें एक 15 साल की लड़की, नाबालिग लड़की भी है, और 6 ट्रैफिकर्स को हमने हिरासत में लिया है। उसमें एक बांग्लादेश की लेडी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड ये स्टेट के रहने वाले बाकी ट्रैफिकर्स है। 11 तारीख को यहाँ पे उपल पुलिस स्टेशन में शाम को पेट्रोल मोबाइल को एक बांग्लादेशी लेडी अपने 6 महीने के बच्चे के साथ रोड पे रोते हुए मिली। उसको जब पुलिस स्टेशन लेके आए तो उससे पूरा इन्फॉर्मेशन मिला कि ये लेडी और उसके सिस्टर को यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में जॉब देंगे बोल के बांग्लादेश से कोलकाता लेके आए। कोलकाता में उनका बोगस आधार कार्ड बनाया गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में मुंबई के पास में नाला सोपारा करके जगह है पालघर जिला में, वहां पे जो 2 ट्रैफिकर है सतीश रजाक और उसकी बांग्लादेशी बीवी बृष्टि खातून, वहां पे अपार्टमेंट में रखा। ऑनलाइन इन लोगों का हैदराबाद में जो एक दीपक चंद करके ट्रैफिकर यहाँ रैकेट चलाता है जो राजस्थान का रहने वाला है, उसे कॉन्टेक्ट हुआ और दीपक चंद के कहने पे 6 जुलाई को ये 4 लोग यहाँ पे हैदराबाद आए। वो यहाँ पे 11 तारीख को ये जो लेडी हमें रोड पे मिली, उसका इन ट्रैफिकर के साथ झगड़ा हुआ कि उसके छोटे सिस्टर को क्यों ये प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे करके, और ये झगड़े के कारण ये 3 लोग जो है, जो सतीश रजाक, बृष्टि खातून और ये छोटी लड़की 15 साल की, इसको लेके ये लोग वापस महाराष्ट्र चले गए। और महाराष्ट्र जाने के बाद उन्होंने एक प्रियंका नामक वेस्ट बंगाल की लेडी है, उसे ये 15 साल के लड़की को बेचा। वो प्रियंका जो है उसे महाराष्ट्र के सातारा जिला में कराड तालुका में मलकपुर गांव है, वहां पे नवरंग नाम का लॉज है, वहां पे ये लड़की को रख के उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाना इन्होंने शुरू किया था। उसी दरमियान हमारे टीम को जो खबर मिली, वो खबर के मुताबिक सातारा पुलिस की मदद से हमारे टीम ने ये लड़की को रेस्क्यू करते हुए ये नवरंग लॉज से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मुंबई से जो पालघर, मुंबई के पास में नाला सोपारा जगह है, वहां से 2 ट्रैफिकर सतीश राजक और उसकी बीवी बृष्टि जो बांग्लादेशी है, और यहाँ हैदराबाद से दीपक चंद जो राजस्थान का रहने वाला, ये 6 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। और इनके पास से हमें एक स्विफ्ट कार, 7 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और 7 फेक आइडेंटिटी कार्ड हमें बरामद हुए हैं। ये पूरे रैकेट में बहुत ही अच्छा काम हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंस्पेक्टर नवीन कुमार, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णा, उपल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गोविंद रेड्डी, सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी और रमेश, और स्टाफ ने हमारे जो ऑफिसर्स है एसीपी मलकाजगिरी, डीसीपी मलकाजगिरी, एसीपी एसओटी और डीसीपी एसओटी, इनके सुपरविजन में किया है। इस केस में उपल पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 693 ऑफ 2022 हमने एफआईआर जो है वो 420 रेप सेक्शन 376 क्लॉज 2, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेक्शन 370 क्लॉज ए, आईपीसी सेक्शन 366 ए एंड बी, 467, 468, 471, 109, 114, उसके साथ में पोक्सो के सेक्शन 5, 6 और 17, और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3, 5, 6 के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर उपल इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
और एक केस में जो ट्रैफिकर्स हमें मिले हैं उनके खिलाफ पक्का हम पीडी एक्ट बुक करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल करते कन्विक्शन के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सच्चे काम को अंजाम देने वाले एएसटीयू एसओटी टीम और उप्पल पुलिस मलकाजगिरी जोन के टीम को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।